फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। फटाफट नजर डालते हैं जिले भर की तमाम बड़ी खबरों पर। नामांकन दाखिल करते समय दो वाहनों की होगी अनुमति, वाहनों के दुरुपयोग पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी की चुनावी गाइडलाइन। कालाधन घोटाले के आरोप से गिरी 22 पंचायतों को मिली क्लीन चिट। प्रशासन की जांच के बाद ही घोटाले का हुआ था खुलासा। जिले के बहुचर्चित कालाधन घोटाले का मामला एक बार फिर सुर्खियों में। नाले की दिशा बदलने के चलते जल भराव की बढ़ी आशंका। नेहरू नगर के लोगों ने कहा कि निगम ने 1.5 करोड़ रुपए का नाला बनवाया, फिर भी समस्या जस की तस। ओबीसी वर्ग के साथ भाजपा ने किया अन्याय। राजमणि पटेल ने राजनिवास में पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए आरोप। खाद्य परिवहन में देरी होने पर 6.5 लाख रुपए का जुर्माना। परिवहनकर्ता शारदा ट्रांसपोर्ट कंपनी समय पर त्योंथर में नहीं पहुंचाया खाद्यान्न। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों से पात्र गरीब परिवारों को खाद्यान्न का हर माह किया जाता है वितरण। कलेक्टर और एसपी ने मतदान केंद्र में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जिले के 2 दर्जन से अधिक केंद्रों में पहुंचे अधिकारी, आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश। पाइपलाइन फूटी, सड़क पर बह गया पूरे मोहल्ले का पानी। वार्ड 6 के बास घाट में फूटी पाइप। चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ रायशुमारी में संगठन प्रभारी ने कहा कि पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोगों को किया जाएगा समर्थन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के संभागीय प्रभारी प्रभात भानु शर्मा ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ जनों के साथ की रायशुमारी। ईंट से लोड ट्रक पेड़ से टकराया, डाल टूटने से एक की मौत, 2 घायल। जवा थाने के हरदी गाँव में हुई घटना। 5 साल की बच्ची को थप्पड़ मारने से हुआ विवाद, चाकू से गोद कर युवक की हत्या, कबाड़ी मोहल्ले के बताई जाती है घटना। ठेला लेकर बच्चों के लिए मांगे गए खिलौने, सड़क पर आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए एकत्र की गई खेल सामग्री। बेटी के यहां से घर से जाने को निकले वृद्ध का मिला शव। हनुमाना के धनुहिनार जंगल की घटना। मृतक विश्राम सिंह निवासी गरबा कारपोटा चौकी सिहावल थाना मिलिया सीधी का रहने वाला। फेसबुक में युवती से हुई मोहब्बत, 5 लाख लेकर भागा युवक, बिछिया पुलिस ने साइबर की मदद से किया ट्रेस। युवती के घर में मिला युवक, कोलकाता से युवक को बरामद कर लाई पुलिस। 11 साल बाद बच्ची ने खोला हत्या का राज, गला घोट कर की गई थी हत्या। शाहपुर थाना क्षेत्र में किशोरी की हुई हत्या का मामला। मामले का खुलासा करने में SDOP नवीन दुबे ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। कांग्रेस उपाध्यक्ष दीपक सिंह ने पार्टी की नीतियों से क्षुब्ध होकर छोड़ी पार्टी, उपेक्षा का लगाया आरोप। राह चलते युवक पर गोली चलाने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। निकला नाबालिग, कट्टा और कारतूस के साथ खाली खोखा बरामद। सिटी कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। चिमनी और लालटेन के सहारे गुजर करने को मजबूर वार्ड 12 के रहवासी। विद्युतीकरण की राशि, डकार गए जिम्मेदार। नगर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। नगर परिषद नई गढ़ी का है मामला। तार खींचने के बाद भी नहीं पहुंची बिजली। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने महिला के गले से छीना सोने की चेन। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बाल विकास स्कूल के सामने कुटेही में हुई घटना। सुमन वर्मा निवासी ने पेट्रोल पंप के पास के साथ हुई वारदात। घर में घुसकर युवकों ने की गाली गलौज। विरोध करने पर दिया जान से मारने की धमकी। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के डीही में हुई घटना। पीड़ित और विजेंद्र शुक्ला के साथ संजय शुक्ला ने की वारदात। और घर में घुसे बदमाशों ने 89,000 नकदी चुराया। सिमरिया थाना क्षेत्र के बस स्टैंड में संचालित समीर द्विवेदी की दुकान में हुई वारदात। राममणि गर्ग के साथ हुई चोरी की वारदात। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, हुआ हंगामा। मनगवां थाना क्षेत्र के मढ़ी कला में हुई घटना। कृष्ण बिहारी साकेत के घर घुसकर बाबूलाल साकेत, संजय साकेत, प्रदीप साकेत अपने साथियों के साथ मिलकर की तोड़फोड़, मचाया उत्पात। पुलिस जांच में जुटी। घर में घुसकर सोने चांदी के जेवर और नकदी चुरा ले गए बदमाश। लौर थाना क्षेत्र के निवासी प्रतिभा मिश्रा के घर हुई चोरी की वारदात। लाखों रुपए का सामान चुरा ले गए बदमाश। घर में घुसे बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराया। जनी थाना क्षेत्र के सोहरवा निवासी विद्यासागर शुक्ला के घर हुई चोरी की वारदात। लाखों रुपए के कीमती सामान हुए चोरी। आपसी रंजिश के चलते भैंस को जहर देकर आरोपियों ने मारा। जनी थाना के नरिया में हुई घटना। पशुपालक की शिकायत पर छेंदीलाल पटेल के खिलाफ दर्ज हुआ पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत मामला। किसी बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहे अभय चिकवा नाम के युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुलबसिया चौराहे में की गई कार्यवाही। आरोपी के खिलाफ 25 आर्म एक्ट के तहत दर्ज किया गया प्रकरण। जिले भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।